भाई बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि आपकी फेवरेट रही होंगी और अभी भी फेवरेट हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बॉलीवुड की काफी ऐसी कल्ट मूवीज हैं जिनको जनता ने बहुत प्यार किया है, लेकिन असल में वो किसी और फिल्म का, यानी कि हॉलीवुड की किसी और फिल्म का ही रीमेक है या वहां से चुराई गई है। चलिए आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है rj_ungkur_ig। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता बेहद पसंद किया गया भाई, गाने भी बड़े फेमस हुए, अमिताभ बच्चन को इसमें देखा गया और एक अलग ही तरीके का प्यार मिला सत्ते पे सत्ता को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रीमेक थी, या यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी चुराई गई फिल्म थी 1954 की सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से। आपको बता दूं कि सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स के जो मेकर्स हैं उनको इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनकी फिल्म को उठाकर एक हिंदी फिल्म, एक बॉलीवुड फिल्म बन भी चुकी है। काफी टाइम बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने कंप्लेंट्स की, तो फिर बाद में जाकर इसको अडेप्टेड कहला दिया गया कि भाई ये फिल्म जो है अडेप्टेड है सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से। ऐसे जाकर सत्ते पे सत्ता को इन क्लेम्स से फिर छुटकारा मिला। उसके बाद अगला नंबर आता है गजनी, जो कि 2008 में आई। अब कहा जाता है कि ये 2005 की तमिल मूवी जो गजनी थी उसका रीमेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तमिल मूवी थी जो 2005 में आई थी वो भी कहीं और से ली गई थी। वो थी मेमेंटो, जो कि 2000 में आई थी। मेमेंटो का पूरा कॉन्सेप्ट उठाकर तमिल गजनी मूवी में डाला गया था और फिर वो 2005 में आई थी और फिर हिंदी में बनी 2008 में, जिसमें आपको आमिर खान नजर आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से बेहद प्यार मिलता है। चलिए अगला नंबर है इस फिल्म में मुन्ना भाई MBBS का, जो कि साल 2003 में आपको नजर आई थी। संजय दत्त को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, संजय दत्त के करियर के लिए एक तरीके का रिवाइवल था। जैसे ही मुन्ना भाई MBBS आई थी, राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी उठाई गई थी पैच एडम्स 1998 जो फिल्म थी वहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट उठाया गया था। डिफरेंस बस इतना था कि यहाँ पर संजय दत्त के किरदार को टपोरी बताया गया था, पैच एडम्स में जो लीड कैरेक्टर था वो टपोरी नहीं था। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस इन दोनों ही फिल्म्स में नहीं था। चलिए उसके बाद गोविंदा की फिल्म की बात कर लेते हैं, जो कि 2001 में आई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, ये भी पूरी उठाई गई फिल्म है। कहां से उठाई गई है ये फिल्म? थी लायर लायर, जो कि 1997 में आई थी। हालांकि डिफरेंस बस इतना रहा था कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं थोड़े एक दो और कैरेक्टर्स एडिशनल ऐड कर दिए गए थे, वहीं कुछ गाने ऐड कर दिए गए थे, इसलिए ये लायर लायर से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि कैरेक्टर्स और गाने ऐड हो गए। चलिए अगली फिल्म है चाची 420, जो कि 1997 में आई है। कहा जाता है कि एक तमिल फिल्म का रीमेक है, कमल हासन को बहुत पसंद किया गया था। वही काफी लोगों को 90s के बच्चों को तो अपना बचपन याद आ जाएगा चाची 420 का, जैसे ही जिक्र आता है। मैं आपको बता दूं कि ये भी 1993 की हॉलीवुड फिल्म मिसेस डाउटफायर से इंस्पायर्ड है। बाद में इसको इंस्पायर्ड बोल दिया गया, हालांकि पूरी की पूरी उठाई गई वैसे ही मूवी है जो कि आपको चाची 420 बनाकर दिखाई गई, और जब बाद में मसले हुए तो इंस्पायर्ड बोल के बात खत्म कर दी गई। चलिए अगला नंबर है अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। बहुत ही बेहतरीन फिल्म मानी जाती है बॉलीवुड की, 2005 में आई थी ब्लैक। ब्लैक भी उठाई गई है, ब्लैक भी कॉपी की गई है, या फिर यूं कहें कि चोरी की गई है ग्रेट मिरेकल वर्कर 1962 से। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के मेकर्स ने बाद में पता चलने के बाद भी इस फिल्म को, यानी कि ग्रेट मिरेकल वर्कर्स को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया था। चलिए अब अगली फिल्म की बात कर लेते हैं। ईयर 1993 में आई थी, शाहरुख खान को एंटी हीरो रोल में बहुत पसंद किया गया था। फिल्म का नाम था बाजीगर। आपको बता दूं कि बाजीगर भी जो है वो पूरी की पूरी उठाई गई हॉलीवुड की मूवी है। हॉलीवुड की मूवी जो ईयर 1991 में आई थी, अ किस बिफोर डाइंग। जी हाँ, बिल्कुल वहीं से उठाई गई मूवी है ये, और बाद में जब मसले हुए तो इस फिल्म को भी इंस्पायर्ड कह के कहानी को खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं साल 2004 में आई फिल्म मर्डर की, जिसके बाद अचानक से इमरान हाशमी को सीरियल किसर का टैग मिलता है। उस जमाने की सबसे बोल्ड बॉलीवुड मूवीज में से एक मर्डर गिनी जाती है, और आपको बता दूं कि मर्डर एक नहीं तीन तीन फिल्मों के हिस्सों से बनाई गई फिल्म है, यानी कि तीन तीन फिल्मों से कुछ ना कुछ उठाया गया है। बता दूं कौन कौन सी वो फिल्म, तीनों हॉलीवुड की हैं, अनफेथफुल वाइफ, फिर दूसरी है अनफेथफुल, और तीसरी है मी सॉफ्टली। इन तीनों ही फिल्म से कुछ ना कुछ उठाकर पूरी की पूरी तैयार कर दी गई, जो कि जनता ने इतनी पसंद की।
अब बात करते हैं साल 2007 में आई फिल्म धमाल की। धमाल का जब भी हम जिक्र करते हैं तो बड़ा वाला डब्ल्यू सबको याद आता है। बिल्कुल सही बात है, ये आता है, जरूर आता है, क्योंकि हर किसी ने ये फिल्म देख रखी है, बहुत पसंद भी किया है। लेकिन ये भी ईयर 1963 की हॉलीवुड फिल्म इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड से उठाई गई है, वहां से ही पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है और वैसी की वैसी फिल्म बनाकर आपको हिंदी में बॉलीवुड मूवी बनाकर दिखा दी गई है। चलिए अब बात करते हैं ईयर 1993 की फिल्म का नाम है संघर्ष। आशुतोष राणा का किरदार बहुत पसंद किया गया था। आपको बता दूं कि ये भी रीमेक है 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स का। जी हाँ, तो ये सारी फिल्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से पूरे की पूरी वैसी की वैसी रेप्लिकेट कर दी गई हॉलीवुड मूवी उठाकर, या फिर यूं कह लीजिए कि कई बार चोरी कर ली गई, या फिर यूं कह लीजिए कि कई बार वहां से इंस्पायर हुए और जो कि उठाकर आपको दिखा दी गई हिंदी में बॉलीवुड में। चलिए, तो शायद आप इन फिल्म्स के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।